क्लासर मैथ की क्लासर सबसे पहले क्वेश्चन दे रखा है यूजिंग द गिवन डिजिट्स 8, 5, 2, 0 एंड 1 राइट द स्मॉलेस्ट एंड द ग्रेटेस्ट नंबर विदाउट रिपीटेशन ऑफ द डिजिट्स मतलब 8, 5, 2, 0 और 1 जो ये नंबर है 5 डिजिट जो दे रखी है इन 5 डिजिट्स को यूज में लेना है और सबसे बड़ा नंबर और सबसे छोटा नंबर आपको लिखना है और किसी भी नंबर को वापस रिपीट नहीं करना है उसके हिसाब से आपको ये नंबर लिखना है तो सबसे पहले आपको लिखते हैं इसके ग्रेटेस्ट नंबर जो ये नंबर है ये सबसे बड़ा नंबर हो गया इससे इन नंबरों से इन डिजिट्स से और उसके बाद आप देखते हैं कि आगे जैसे स्मॉलेस्ट नंबर आप लिखते हैं तो किस तरीके से होगा स्मॉलेस्ट नंबर अगर आप देखें तो सबसे छोटा नंबर लिखना है तो सबसे छोटा नंबर लिखेंगे यही चीज़ ध्यान रखना कभी भी इसको असेंडिंग ऑर्डर में नहीं लिखना है सारे नंबर को कि आगे से थोड़ा सा चेंज होगा वो देखते हैं अपनी क्या चीज़ होगी तो जैसे अगर आप असेंडिंग ऑर्डर में अगर इसको लिखते हैं तो सबसे पहले से आएगा 0, 1, 2, 5 और 8 ये नंबर हो गए लेकिन आपको ये चीज़ ध्यान देनी है कि इस जीरो को कभी भी फर्स्ट नंबर पे नहीं रखना है अगर इन नंबरों के अंदर अगर आपको क्वेश्चन अगर आपको जीरो दे रखा है तो जीरो को कभी फर्स्ट नंबर पे नहीं रखना है अब क्यों नहीं रखना इसका एग्जाम्पल सुन रहे हैं क्योंकि इसने बोला है कि यूजिंग द ऑल डिजिट्स मतलब सारे नंबर्स को सारे डिजिट्स को आपको यूज में लेना है तो सारे डिजिट्स को अगर यूज में लोगे तो जीरो को फर्स्ट नंबर पर रख देते हो उसका कोई यूज नहीं होता क्यों नहीं होता वो देखते हैं अपन जैसे अपने पास में नंबर दे रखा है एक तो 1 रखा है और एक 0 दे रखा है अगर अपन 1 और 0 लिखता हूँ तब तो इसका क्या नंबर बन गया ये 10 बन गया इसी 0 अगर मैं फर्स्ट नंबर पर रख देता हूँ 0 और 1 तो इसको अपन क्या बोलेंगे 1 ही बोलेंगे जीरो का कोई यूज नहीं हुआ तो 0 को भी अगर आपको यूज में लेना है तो उसको फर्स्ट नंबर पर नहीं रखना है फिर सेकंड पे थर्ड पे फोर्थ पे कहीं पे भी रख सकता है लेकिन इसको फर्स्ट नंबर पे कहीं पे भी कभी भी नहीं रखना है अगर आपने फर्स्ट नंबर पर इसको रखा है तो ये अपन के आंसर को गलत करेगा तो इस वजह से अपन लोग क्या करना है इसके अंदर इसको फर्स्ट नंबर पर नहीं रखें और उसको इसको करना है सेकेंड नंबर पर जो लिखना है और जो सेकेंड नंबर की चीज़ होगी वो फर्स्ट नंबर पर और फर्स्ट नंबर की चीज़ लिखेगा सेकेंड नंबर पर तो मैंने फर्स्ट नंबर लिखा थी 0 थी और सेकेंड नंबर लिखा थी 1 थी तो सेकेंड आ जाएगा फर्स्ट पर फर्स्ट आ जाएगा सेकेंड पर तो आपको क्या लिखना है 1, 0, 2, 5, 8 तो इस तरीके से अगर नंबर लिखते हो तो ये स्मॉलेस्ट नंबर हो गया और अगर इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हो तो ये आपका कौन सा हो गया ये आपका ग्रेटेस्ट नंबर हो गया इस तरीके से आपको इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है अगला क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर सेकंड यूजिंग द गिवन डिजिट्स 6, 1, 2, 7, 5 एंड 4 राइट द स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर विदाउट रिपीटेशन ऑफ द डिजिट्स मतलब जो भी ये नंबर दे रखे हैं 6, 1, 2, 7, 5 एंड 4 इन नंबरों को यूज में लेना है सबसे बड़ा नंबर सबसे छोटा नंबर लिखना है तो किस तरीके से लिखा जाएगा वापस वही मेथड है लेकिन जीरो अगर आता है तो उसको सेकंड नंबर पर रखना ही आता है तो 6, 1, 2, 7, 5, 4 जीरो नहीं है तो सेकंड नंबर में जीरो इसको बस ठीक है आएगा 1, 2, 4, 1, 2, 4, 5, 6 एंड 7 ये हो गया इसका स्मॉलेस्ट नंबर और ग्रेटेस्ट नंबर में देखते हैं तो ग्रेटेस्ट नंबर को करना उल्टा वापस डिसेंडिंग ऑर्डर में देना तो 7, 6, 5, 4, 2 और इसका क्या हो गया आपका ग्रेटेस्ट नंबर हो गया याद रखना आपको जब ये इस तरीके से क्वेश्चन होता है तो अगर स्मॉलेस्ट नंबर में लिखना है तब तो इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख दो और अगर ग्रेटेस्ट नंबर अगर होता है उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है और अगर जीरो अगर होता है तो उसको याद रखना है कि स्मॉलेस्ट नंबर के अंदर इसको फर्स्ट नंबर पर नहीं रखे मतलब जीरो को फर्स्ट नंबर पर नहीं रखे आपको उसको क्या करना है सेकेंड नंबर पर आपको उसको सेट करना है क्योंकि अगर आपने फर्स्ट नंबर पर उसको सेट कर दिया तो जीरो की वैल्यू नहीं आएगी और जीरो की वैल्यू नहीं आएगी और जीरो को यूज़ भी नहीं कर पाएंगे अपन अगर जीरो को यूज़ भी करने क्योंकि अपन को
लोकेशन का क्या क्या यूजिंग द गिवन डिटेल्स, मतलब जो भी डिटेल्स दे रखे हैं उनको यूज करना है, और यूज़ करना है तो उसको अगर स्टार्टिंग वगैरह अपने रख दिया तो उसका यूज नहीं होगा। इस वजह से आपको याद रखना है कि जब भी अगर आप सॉलिड नंबर लिखते हो तो जीरो को हमेशा कहाँ पर रखोगे, सेकेंड डिजिट पे ही इसको सेट करोगे, फर्स्ट नंबर पे सेट नहीं करना है। बाकी ग्रेटेस्ट नंबर के अंदर तो सबसे लास्ट में जाएगा, लेकिन स्टार्टिंग के अंदर आपको जैसे स्कॉलेज नंबर के अंदर कभी भी स्टार्टिंग के अंदर उसको नहीं रखना है, इस चीज़ का ध्यान रखें। इसके बाद में कुछ क्वेश्चन जैसे क्वेश्चन नंबर थ्री, इसके अंदर जैसे बोल दिया था राइट द ग्रेटेस्ट फोर डिजिट नंबर, राइट द ग्रेटेस्ट फोर डिजिट नंबर, मतलब फोर डिजिट का सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा वो चीज़ ध्यान देंगे। तो आपको एक चीज़ ध्यान देंगे, सबसे पहले किसके अंदर मैनेजमेंट की तो ग्रेटेस्ट का है फोर डिजिट का है, ये दो चीज़ें बोली है, ये दो चीज़ों का ध्यान रखना है। तो जैसे अगर ग्रेटेस्ट का बोला है तो अपन जैसे अगर देखते हैं कि नॉर्मली जो नेचुरल नंबर क्या होता है जीरो से लेकर नाइन तक अपन मानते हैं, जैसे सॉरी वो नंबर जीरो से लेकर नाइन तक होता है, जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन नॉर्मली यही नंबर होते हैं, और इन्हीं नंबरों की हेल्प से आगे के जो नंबर होता है वो सारा बनता है। तो जैसे इसमें अगर ग्रेटेस्ट नंबर बोला तो जीरो से लेकर नाइन तक की सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, तो इसके अंदर देखा अपन के पास में नाइन, तो अपन में नाइन है और फोर डिजिट देखा तो नाइन को फोर टाइम के अंदर आपको लिखना है। तो अगर इस तरीके से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो नाइन 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 और नाइन लिखे हो गया 9999, राइट द ग्रेटेस्ट फोर डिजिट नंबर क्या हो जाएगा 9999। इसी तरीके से अगर अपन देखते हैं क्वेश्चन फोर्थ, इसके अंदर आगे बोला जाता है राइट द स्मॉलेस्ट सिक्स डिजिट नंबर, राइट द स्मॉलेस्ट सिक्स डिजिट नंबर, अगर सबसे छोटे अगर सिक्स डिजिट नंबर लिखने के लिए बोल दिया जाता है तो किस तरीके से लिखोगे, तो सबसे छोटा मतलब स्मॉलेस्ट अगर कहा है तो वो नंबर है अगर आपको लगता है जीरो वन जो होता है सबसे स्मॉलेस्ट होता है, और सिक्स डिजिट का अगर बोला है तो याद रखना आपको कि इससे पहले वाले क्वेश्चन के अंदर भी मैंने बोला था वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसके अंदर जैसे सबसे छोटा सिक्स डिजिट का अगर बोला है तो सबसे छोटा सिक्स डिजिट में मिसटेक्स होगा, तो सबसे छोटे नंबर होता है जीरो, और लेकिन जीरो को आपको पता ही है फर्स्ट नंबर पर नहीं रखना, उसको सेकंड नंबर पर रखना है, तो फर्स्ट नंबर क्या होगा आपका वन हो जाएगा, उसके बाद सेकंड नंबर क्या आएगा जीरो। तो ये चीज़ ध्यान रखनी, सिक्स डिजिट अगर है तो टोटल सिक्स डिजिट के अंदर लिखना आपको, जैसे वो फर्स्ट नंबर कौन होगा उसके बाद दो सारे जीरो वन टू थ्री फोर फाइव और सिक्स, ये सब क्या हो गया सिक्स डिजिट नंबर हो गया, स्मॉलेस्ट सिक्स डिजिट नंबर, तो क्या हो गया वन है, क्योंकि इसको अगर आपका इससे छोटा करते हैं तो आंसर बन जाता है 99999, जो कि फाइव डिजिट का सबसे बड़ा नंबर होता है। लेकिन सिक्स डिजिट का अगर आपको लिखना है स्मॉलेस्ट नंबर लिखना है तो याद रखना वन और जीरो से ही सारे नंबर बनेंगे, स्मॉलेस्ट अगर वन और जीरो से और ग्रेटेस्ट वाले नाइन से, ये चीज़ आपको जरूर ध्यान देनी है। अब उसके बाद आता है कुछ नंबर्स के बारे में, कुछ ऐसे नंबर का अगर अपन कर लेते हैं तो सबसे पहले कर लेता है अपने पास में नेचुरल नंबर और वन नंबर, नेचुरल नंबर और वन नंबर। तो कई बार अपन सुनते हैं कि नेचुरल नंबर या फिर वन नंबर के बारे में अपन सुनते हैं, तो नेचुरल नंबर क्या होता है और वन नंबर क्या होता है और इसमें डिफरेंसेस क्या होता है, तो ये एक चीज़ ध्यान रखनी। तो नेचुरल नंबर और वन नंबर में एक ही नंबर का फर्क है कि दोनों में क्या चीज़ का फर्क है वो तो देखेंगे अपन, लेकिन जो नेचुरल नंबर और वन नंबर होता है तो होता क्या है वो सारी नॉर्मली जो अपन काउंटिंग बोलते हैं वो काउंटिंग ही अपने क्या है नेचुरल नंबर और वन नंबर है, इन दोनों में डिफरेंस ये होता है कि जो नेचुरल नंबर होता है वो स्टार्ट होता है जैसे वन टू थ्री फोर फाइव और उसका काउंटिंग आपकी चलती रहती है इस तरीके से। लेकिन अगर अपन वन नंबर देखते हैं तो वन नंबर जो स्टार्ट होता है वो होता है जीरो से, मतलब हम इतना ही है स्टार्टिंग नेचुरल नंबर की वन से होती है, वन नंबर की स्टार्टिंग होती है वो जीरो से होती है, बाकी सारा सेम इसके अंदर रहता है, ये चीज़ आपको जरूर ध्यान देनी है। इसके अंदर नेचुरल नंबर वन से, वन नंबर
जीरो से स्टार्ट होती है, ये दो चीज़ आपको ध्यान देंगे। उसके बाद आपकी एक चीज़ और, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर, तो प्राइम नंबर जो होता है वो ऐसे नंबर होते हैं जो कि केवल वन की टेबल में और टू की टेबल में ही आते हैं, वो क्या होंगे आपके प्राइम नंबर होंगे। और कंपोजिट नंबर जो है वो ऐसे नंबर हैं जो कि वन की टेबल में, खुद की टेबल में और दूसरे की टेबल में भी आ जाते हैं, तो ऐसे कौन से नंबर होंगे, वो कंपोजिट नंबर होंगे। तो प्राइम नंबर के तौर पर अगर हम देखें तो वन को अपन को ना तो प्राइम नाम मानना है ना अपन को कंपोजिट मानना है, वन ना तो प्राइम नंबर है ना कंपोजिट नंबर है, स्टार्ट होगी इसके सेकेंड नंबर से टू से, तो इससे टू है वो एक प्राइम नंबर है। क्यों है, क्योंकि टू है केवल वन की टेबल में और खुद की टेबल नहीं आता, उसका नंबर दूसरे की टेबल में नहीं आता। इसी तरीके से जो थ्री है वो भी इसी की क्वालिटी है जो प्राइम नंबर है। इसी तरीके से अगर अपन फोर देखें तो फोर जो है वो आपके कंपोजिट नंबर में आते हैं, क्योंकि ये वन की टेबल में भी आता है, टू की टेबल में भी आता है, फोर की टेबल में भी आता है। इस वजह से जो फोर हो गया वो कौन सा नंबर हो गया, कंपोजिट नंबर हो गया। इसी तरीके से अगर फाइव देखें तो फाइव हो गया अपने प्राइम नंबर, सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन और ट्वेंटी। अब देखेंगे अपन जैसे प्राइम नंबर जो है ये केवल ऐसे नंबर है जो कि केवल वन की टेबल में, टू टेबल में ही आता है, उसके अलावा दूसरे टेबल में नहीं आता। जैसे टू हो गया, थ्री हो गया, फाइव हो गया, सेवन हो गया, एलेवन हो गया, थर्टीन सेवनटीन और नाइनटीन जो ये नंबर है, ये सारे नंबर कौन कौन से हो गए, प्राइम नंबर हो गए। और इसी तरीके से अगर अपन देखते हैं कंपोजिट नंबर के तौर पर, तो ऐसे नंबर जो कि वन ही टेबल में और खुद ही टेबल के अलावा दूसरे टेबल में भी आ जाते हैं, जैसे फोर हो गया, सिक्स हो गया, एट है, नाइन है, टेन है, ट्वेल्व है, फोर्टीन है, फिफ्टीन सिक्सटीन एटीन ट्वेंटी जो भी नंबर है, ये सारे कौन से नंबर हो गए आपके, कंपोजिट नंबर हो गए। इसी तरीके से अगर आप दूसरे टाइप देखें तो ये होता है आपके ओड नंबर और दूसरा होता है आपके इवन नंबर। ओड नंबर क्या होता है, इवन नंबर क्या होता है, ये आप बचपन से बोलते आ रहे हैं। जैसे ओड नंबर अपन देखते हैं कि ओड नंबर ऐसा नंबर होता है जो कि इसका लास्ट नंबर लास्ट डिजिट होती है वो वन थ्री फाइव सेवन और नाइन अगर होती है तो वो कौन से नंबर होते हैं, ओड होते हैं। और उसके अलावा जो भी नंबर होते हैं वो सारे कौन से होंगे, इवन होंगे। जैसे लास्ट डिजिट जीरो टू फोर सिक्स एट अगर होता है तो अपने कौन सा नंबर हो गया, इवन नंबर हो गया। जैसे ओड नंबर अगर अपन देखें तो वन थ्री फाइव सेवन नाइन ये जो नंबर है वो कौन से हो गए, ओड नंबर हो गए। उसके अलावा भी कई नंबर होंगे जो आपके ओड नंबर हो सकते हैं। इवन नंबर के तौर पर अगर अपन देखें तो इवन तौर पर इवन के तौर पर जैसे टू फोर सिक्स एट और टेन ट्वेल्व जैसे तरीके से बहुत से नंबर है जो कि आप किस में आते हैं, इवन नंबर के अंदर आते हैं। अब उसके अलावा कई नंबर होते हैं जिनके बारे में आपको स्टडी करनी है और आपको जो अभी क्वेश्चन पता है क्वेश्चन के बारे में आपको देखना है।